दुनिया आपके राय से नहीं बदलती है, दुनिया आपके उदाहरण से बदलती है। ये अंकल डेली कूड़ा उठाते हैं हमारे यहाँ से 4 बजे लेके जाते हैं। हम कहाँ जाएंगे, ऐसे कूड़े में फेंक देंगे, कहाँ लेके जाएंगे हमें? फिर आप कूड़े में फेंक दोगे? और क्या, हम कहाँ जाएंगे, हमें पता नहीं कहाँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा गवों की भी सेवा हो रही है और समाज की भी हो रही है। दिन भर मेहनत जो करता है वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए, ठोकर में नहीं जाना चाहिए। हम इसी खाने के लिए दिन भर मेहनत करते हैं, मोदी जी के बात सुन के कर रहे हैं। प्रोडक्शंस में हम कुछ 6-7 लोग काम कर रहे हैं, साथ में भावना भी काम कर रही है और उसने रजनीकांत भैया के बारे में बताया, जो लोग कुछ ऐसा कंपोस्टिंग जैसा कुछ करते हैं, मतलब वो खाद वगैरह बनाते हैं कूड़े से। जो आप कर रहे हो ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसके बारे में सबको पता चलना चाहिए, पूरी दिल्ली को, पूरे इंडिया को, सबको पता चलना चाहिए। तो हमने डॉक्यूमेंट्री का सजेशन दिया, उन्हें वो सजेशन पसंद आया, उन्होंने बोला ओके। ये डॉक्यूमेंट्री आपको देखने के बाद पता चलेगा कि वो किस तरह से इस काम को करते हैं, कूड़े से किस तरह से वो खाद बनाते हैं और देश के लिए ये बहुत ही अच्छा काम वो कर रहे हैं। मनोज रामचंद्र सावले ये महाराष्ट्र से आते हैं, जिन्हें मैंने 2015 में फेसबुक के थ्रू फॉलो किया। तो मैं उनके काम देखता था कि ये कभी सड़कों पे सफाई करते हैं, कभी बसों में महिला सुरक्षा पे, कभी DCP से, कभी किसी के पास भी जाकर लोगों से कुछ भी सामाजिक और जो अन्य मुद्दे हैं देश के, जो देश को प्रभावित करते हैं, उन पे बात करते हैं। दिल्ली आए तो ना ही इनकी कोई ज़्यादा जान पहचान थी, इनफैक्ट रिश्तेदार भी ना के बराबर ही हैं, तो फिर भी अकेले ये करीब 1-1.5 साल तक लगे रहे। कभी जहाँ भी इनसे हो सका सार्वजनिक स्थानों पर सफाई वगैरह ये करते रहे। जब वो काम करते थे तो इनके पास ज़्यादा समय नहीं होता था, तो लेकिन इनके पास जो भी समय होती थी या फिर वीकेंड पे जो भी इनकी छुट्टियां होती थी उसको वे स्वच्छता पे यूटिलाइज करते थे। फिर 2016 में हमारी भी एक टीम थी, तो 2-4-5 युवाओं की टीम थी, हमारी दोस्त थे एक्चुअली, टीम नहीं थी। तो हमने सोचा कि यार वो इतना कर रहे, हम लोग भी तो कुछ कर सकते हैं, तो हम फिर इनके साथ जुड़ गए। तो हमने फिर स्टार्ट किया, तो हमने जब स्टार्ट किया तो हम सुबह सुबह ही हर दिन करने लगे, मतलब हफ्ते में 5 दिन भी कर देते थे सफाई कहीं भी। सोशल मीडिया को हमने अपना प्रेजेंट करना स्टार्ट किया हमारा काम, वहाँ से फिर हमें और ज़्यादा वाइब मिलने लगे। फिर हमारा जब डेली का काम होने लगा तो और ज़्यादा लोगों के नज़रों में हम आने लगे, धीरे धीरे हमारी टीम इकट्ठा होते गई। तो ये जो स्कूल जहाँ पे भी हम ये फिलहाल ये काम कर रहे हैं हमारे साथी, ये स्कूल भी हमें मनोज भैया के उन्हीं कामों से मिला कि जब वो इस स्कूल में आए बच्चों को व्याख्यान देने के लिए कि हम कैसे स्वच्छता पे काम कर सकते हैं। तो स्कूल का जो प्रशासन था वो इनसे काफ़ी प्रभावित हुआ, टीम बढ़ती गई, तो धीरे धीरे करके 1.5 साल हुए हम 1 से 17-18 लोगों की जो नियमित काम कर सकते थे ऐसी टीम बने हम। जब टीम बढ़ती गई तो विकास, अनिल, बबीता भाभी, चंदर भैया, ये जो हमारे साथी थे ये अपना ड्यूटी करते थे और ड्यूटी के बाद 2 घंटे निकालते थे कि मनोज भैया ने सब लोगों से बात करके रखा था मोहल्ले के कि आप हमें कूड़ा दीजिए हम आपको स्वच्छता देंगे। एक्चुअली हमारा टैग लाइन था, तो यहाँ पे करीब 50,000 किलो से ज़्यादा कूड़े रसोई कूड़े हैं, हम कूड़े को हमारे साथी यहाँ पे लाते थे, करीब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 250 घरों तक हमारा आंकड़ा पहुँच गया, अब 350 घरों तक पहुँच गया। अगले 1 महीने में हमारा टारगेट है 1,000 घर। स्टार्ट के शुरुआत के दिनों में हम 400 ग्राम प्रतिदिन कूड़ा लेके आते थे, 400 ग्राम, 600 ग्राम, आज वो 250 किलो के करीब पहुँच गया। तो हमने इसके 3-4 पहलू देखे हैं। एक पहलू होता है कि जब हम कूड़ा लेके आते हैं तो हमारा 250 घर, अगर जो अभी फ़िलहाल हम माने तो हर घर में 5 परिवार, तो 1200-1500 लोगों से हमारा सीधा कनेक्ट है। अब वो 1200-1500 लोग कूड़े को ट्रीट करना जान गए हैं। तो एक्चुअली 2019 में हमें काफ़ी सारे लोगों से हमारा इंट्रैक्शन हुआ, MCD भी अब हमें सपोर्ट करती है, जगह देती है। तो हमारी टीम में कई सारे लोग हैं जो पंजाब से हैं, जो उड़ीसा से हैं, जो बिहार से हैं, जो महाराष्ट्र से हैं, जो हरियाणा से हैं, जो दिल्ली से हैं, कई लोग वर्किंग हैं, कई लोग स्टूडेंट हैं, कई लोग बिजनेसमैन हैं।
हमारा एक ही स्वार्थ है कि देश स्वच्छ हो और देश के लिए हमारा कुछ योगदान हो, ताकि हम जिस पे गर्व कर सके कि हमने भी कुछ देश को दिया है। जैसे हमारे पास बहुत अच्छे उदाहरण है हमारे टीम से, विकास, अनिल, बबीता, भाभी, चंद्र भैया, जो कि कोई बहुत बड़े इकोनॉमिक बैकग्राउंड से नहीं आते, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है उनकी, पर फिर भी वो जब काम करते हैं तो उन्हें कोई स्वार्थ नहीं होता कि मैं कुछ करूँ तो इसके बदले मुझे कुछ मिले। ठीक है, वो बहुत मन से काम करते हैं, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जो भी उनसे बन सकता है वो देते हैं और दिल से देते हैं। विकास की बात करें, अनिल की बात करें, तो वो सुबह 7 से शाम 3 तक वर्किंग है। ठीक है, दोपहर 3 बजे तक वर्किंग है, उसके बाद 250 घरों में 300 घरों में जा जा कर हर दिन कूड़े इकट्ठा करना, हजारों सीढ़ियाँ चढ़ना उनका काम होता है। एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि काम मुश्किल है। एक तो हमारे विनय भैया हैं, वो भी बनारस से हमारे साथ काम करने आए थे। जब वो काम करने आए तो उन्होंने हमारे साथ एक दिन फावड़ा चलाया, सफाई की थी, इसी स्कूल की सफाई कर रहे थे हम। यहाँ से जाने के बाद वो इतने प्रभावित थे, पता नहीं क्या हुआ, बनारस के नेटिव लोगों को उन्होंने एक टीम इकट्ठा की, 35-40 लोगों की टीम बनाई, और अब वो वहाँ करीब 1 साल से गंगा सफाई का काम कर रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा कि जब 15 अगस्त 2015 को हमने ये काम शुरू किया था, तब मुझे झाड़ू पकड़ना भी नहीं आता था। तब हम ये यूनिफॉर्म पहन के निकले थे और हमने कूड़े की सफाई करनी शुरू कर दी। सड़क पे जो गंद होती है उसको हमने हटाना शुरू किया। लोग हमें देखते गए, लोग हमारे साथ जुड़ते गए। जहाँ से हम जाते थे लोग हमें देखते थे, उनको लगता था कि एनजीओ का कोई व्यक्ति है जो काम कर रहा है, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि ये कौन है एक्चुअली में। फरवरी 2017 में मैंने कंपोस्टिंग अपने घर पे की, तब वो काफ़ी सफल हुआ। उसके बाद मैंने घर बढ़ाना शुरू किए। कूड़ा जो है, रॉ मटेरियल, वो आसानी से मिल जाता है। और ये जो पत्ते होते हैं, जो आपको कहीं पर भी मिलेंगे, ये जो पत्ते होते हैं ये कहीं पर भी मिलेंगे, ये पत्ते और जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ की मिट्टी, ये 2-3 चीज़ों का अगर सही से सम्मिश्रण किया जाए तो बेहतरीन से बेहतरीन खाद बन सकती है। तो यही खाद हमने नेचुरल प्रक्रिया से बना के लोगों को सिखाना शुरू किया। हम फ़ोन पे लोगों को प्रोसेस समझाते हैं, व्हाट्सएप के वीडियो कॉल से हम समझाते हैं, फेसबुक के माध्यम से लोगों को कंपोस्टिंग करना सिखाते हैं। कुल 4 साल अभी हो चुके हैं, जिसमें कंपोस्टिंग के कार्य को 2 साल से अधिक समय हो गया है। और इस 2 सालों के अंदर हमने मई 2019 तक का अगर मैं डेटा बताऊँ तो 50,000 किलो कूड़े को हमने समाप्त किया। उसमें से 75% जो कूड़ा होता है, जो गीला होता है, जो गाय के काम नहीं आता है, तो उसको हमने खाद बनाया स्कूल के अंदर, पार्क के अंदर, घर के छतों में, पब्लिक प्लेसेस में। और 25% जो होता है अच्छी रोटी सब्जी हमने गाय को खिलाई, गाय की रोटी। तो हमारा दिन का 200 किलो का कूड़ा प्रोसेसिंग का रेट है। जागर, जागर का मतलब है लोगों को जागरूक करना। लोगों को सब पता है लेकिन प्रत्यक्ष रूप में कूड़ा समस्या नहीं है। हमने जनवरी 2015 में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रिपोर्ट के अध्ययन से शुरुआत की थी, और वो अध्ययन को हमने लोगों को जागरूक करने के लिए जगह जगह पे पहुंचाया, मंदिर हो, स्कूल हो, ऑफिसेस हो, पब्लिक प्लेसेस में। 15 अगस्त 2015 से हमने खुद झाड़ू उठाया और सड़कों की सफाई शुरू की। उसके बाद 2016 आते आते हमने मेट्रो स्टेशन के पिलर्स को साफ करना शुरू किया। ये जो इलीगल पोस्टर्स होते हैं उसको ब्लेड से हमने निकालना शुरू किया। तो जब मेट्रो स्टेशन के पास से जो गाड़ियाँ गुजरती है वो हमें देखती है और वो सोचते हैं ये लोग कौन हैं, तो उनको लगता है ये DMRC के लोग तो हैं नहीं, दिल्ली मेट्रो के, और ये कोई सरकारी लोग भी नहीं दिख रहे। लेकिन ये देखते देखते हम 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, इस तरह से हमारी संख्या 20 तक बढ़ गई। और हम हर संडे ये सफाई का काम शुरू करते हैं। किसके आगे की अब दास्तां, मुझसे सुन सुन के तेरी नजर दब दबा जाएगी। बात दिल की जो अब तक तेरे दिल में थी, मेरा दावा है होठों पे आ जाएगी। अब हम 2019 में हैं। पिछले 4 वर्ष के प्रोसेस के अंदर हमने लोगों को जागरूक करना, लोगों को कूड़ा घर पे कैसे छांटते हैं वो सिखाना, और उन्होंने छांटने के बाद जो उनमें कमियां रहती है उसको हम अपने लेवल पे छांटते हैं, और उसमें से अच्छी रोटी सब्जी गाय को ले जाते हैं, और बाकी बचा जो गीला कूड़ा होता है उसको हम यहाँ खाद बनाते हैं।
और उसके बाद हम उस खाद को छान के हम उसके पैकेट्स बनाकर लोगों को गिफ्ट देते हैं, और हम भविष्य में ये चाहते हैं कि इस पैकेट्स को लोगों तक पहुँचाएँ, इससे कुछ हमारे को धनराशि मिले और उस धनराशि से हमारा ये जागर सिस्टम बहुत पुख्ता बने, कारगर बने और आने वाले दिनों में युवाओं को रोज़गार मिले। ये चार स्टेप्स के अंदर हमने पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड अगर मैं आपको बता दूं, जो दिन ब दिन बदलता रहता है, पिछले महीने तक हम 200 किलो प्रतिदिन पे काम करते थे, आज हम 250 किलो प्रतिदिन पे काम कर रहे हैं, और जुलाई का हमारा रिकॉर्ड टारगेट है 500 किलो प्रतिदिन गीले कूड़े को हमें प्रोसेस करना है। कूड़े से जो समस्या नहीं होती है लेकिन हमारे लोगों के कारण जो समस्या होती है वो दूर होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, पर्यावरण में सुधार होगा और ये धरती सुजलाम सुफलाम होगी। हमें संजीवनी टीम अवार्ड्स के तरफ से अवार्ड मिला है, उसके बाद नेशनल सेमिनार होता है श्रमदान कॉन्क्लेव करके, जो रायपुर में 2017 में था, अरुणाचल प्रदेश में 2018 में था, तो वहाँ हमें बुलाया गया था। तो हमने अपने मिशन टीम के तरफ से अपनी बात रखी थी कि हम काम कैसे करते हैं, और हमने वही बात की जो हम हमेशा कहते हैं कि दुनिया आपके राय से नहीं बदलती है, दुनिया आपके उदाहरण से बदलती है। और उसके बाद अलग अलग न्यूज़ चैनल में, प्रिंट मीडिया में हमारे इस कार्यक्रम के बारे में पता चलता गया, लोग जुड़ते गए, सपोर्ट मिलता गया। पहले मेरे एक फ्रेंड थे अनिल नाम के, वो भी अभी इसी में हैं, मगर वो अपनी जॉब करके आते हैं, मैं भी अपनी जॉब करके आता हूँ, 3 बजे के बाद ये काम करता हूँ। ये कलेक्शन जो है किचन के कूड़े का, हम लोगों को समझाते हैं, कम से कम 200 या 250 घरों से किचन वेस्ट कूड़ा लेते हैं हम। लोगों को हमने ये बताया कि हमें गीला कूड़ा अलग दें और गाय के लिए रोटी ब्रेड जो है ये अलग दें, वो लोग हमें कूड़ा 2 पन्नी में अलग कूड़ा छाट के देते हैं। महीने में मैं 1-2 बार ना मतलब इनके साथ सपोर्ट करने के लिए मैं आ जाता हूँ, तो क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है, अंदर से काफ़ी अच्छा फीलिंग आता है कि ये चीज़ करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा ही घर है सारा कुछ, कि जब कोई दूसरे गली में जब कोई बीमार पड़ेगा तो बीमारी धीरे धीरे फैलती है। हम लोगों से घर घर जाके लेते हैं जो किचन का वेस्ट, वो लोग हमें आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और दूसरा, हम जो गाय को खिलाते हैं, गाय के लिए ताज़ी ब्रेड, ताज़ी रोटी लेते हैं, वो सब खिलाते हैं, तो गाय माता हमें आशीर्वाद देती है। इससे ये खाद भी बनाते हैं, खाद लोगों को मिलती है, इससे पेड़ पौधों में भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छी खाद होती है वो। किसी जीव जंतु के भी पेट में जाए, हमारे से वेस्ट ही जाए, तो वो भी बहुत एक अच्छा काम है। गाय के पेट में जाए या उससे भी नीचे और जानवर हैं, जीव जंतु हैं, गाय भैंस कुछ भी है, उनके पेट में जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। आगे बढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा और ग्रोथ करनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ हर स्टेट में होना चाहिए। दिल्ली में या बसई दारापुर के अंदर नहीं, तिलक नगर में नहीं, पूरे इंडिया के अंदर कह रहा हूँ। लेकिन हम सड़क पे कूड़ा अलाउड नहीं करते, फेंका हुआ कोई भी फेंके, किसी का भी कचरा पड़े, हम उठा के हर घर अपने अपने पूरी गली में, हमारी गली में सबका ये रूल है कि अपने अपने घर से सारा साफ करके अपने डस्टबिन में डालते हैं सब लोग। सर, हमारी तरफ से तो पूरी सपोर्ट रहेगी, हम ये नहीं चाहेंगे कभी भी कि ये बंद हो, हम तो ये कहते हैं कि और आगे बढ़ना चाहिए। घर घर से रोटी लेके जाती हैं तो अच्छा, या कूड़े में जाने से तो गौ के मुँह लगता है, कुछ और भी काम आता है, कबाड़ खाद बनता है, खाद फिर घरों में ही पौधों में काम आता है, तो अच्छी बात है। मनोज जी ने इसकी शुरुआत की थी, मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरह उनको, बाई फेस बाई नेम अच्छी तरह जानता हूँ, उनके 2 बच्चे भी हैं, बीवी है उनकी, उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की थी। आज इनके साथ मेरे ख्याल से ना होने में तो 400-500 आदमी तो जुड़े होंगे। इनको हम भूलते भी नहीं है कि रोटी आज लेने आएंगे, जो हम रोज़ इनकी इंतज़ार करते रहते हैं। गवर्नमेंट से कुछ मदद मिलनी चाहिए।